आज मैं आपको लेके आ गया हूँ चंडीगढ़ के सबसे ज्यादा मशहूर पाल ढाबे पे, जहाँ का एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है एनिमल मूवी और रणबीर कपूर जी के साथ। और इनके यहाँ का जो खाना है वो खाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे बार बार आते हैं। ऐसा क्या खास है इस ढाबे में, आपको सब दिखाते हैं, सब बताते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार। जी आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे राजा जी अपने दरबार में आ गए हैं। नहीं, राजा तो नहीं कहूंगा, सेवक बोलूंगा जी, मैं सेवक हूं, राजा नहीं बोलूंगा जी, मैं सेवक हूं सबका, राजा नहीं बोलूंगा जी। आपका ये जो एरिया है ना, यहाँ पे एक तो खुशबू है बहुत ज्यादा जबरदस्त है और एक माहौल है, ओरिजिनल चीज की खुशबू आनी चाहिए। जी जी जी, अच्छा जी, तो शुरू करें कहाँ से? जरूर शुरू करो जी, मैं शुरू करता हूँ। जो हर वीडियो में ये बोलता हूँ, ये मेरी दाल 60 साल पुरानी, ये साल मेरी 60 साल पुरानी है। अंकल जी वो लॉजिक भी बताइए, जो सब बताता हूँ 60 साल पुरानी कैसे है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, हम पीछे अम्बाला शहर के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता अम्बाला शहर से आके, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, अम्बाला शहर से आके यहाँ बस स्टैंड के पीछे सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ मेरे माता पिता एक ही रेडी पे काम करते, यानी एक फर्श से उसके आज हम यहाँ है। मेरे माता पिता जी हैं जी जी जी, जिन्होंने एक रेडी दो जी सामने पहुँचाया। आप बता रहे थे इन्होंने आके कहाँ पे स्टॉल शुरू किया था? सेक्टर 22 में जी, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, हम अम्बाला अच्छा। शहर के रहने वाले हैं। जी जी जी, अम्बाला से आके मेरे माता पिता ने बस स्टैंड के पीछे एक ठेली लगाई थी, अच्छा, सनातन धर्म मंदिर के पास। तो आज बुजुर्गों का पौधा लगा हुआ, जो आज पाल ढाबे का इतना नाम है, दाल उनकी बनी हुई है। जैसे घर में दही लगाते हैं, थोड़ी जाग रखते हैं, चाहे हमें एक प्लेट बचाए चाहे दो प्लेट बचाए, हम रात को दाल बचा के रखते हैं, सवेरे जब दाल पर तड़का लगता है उसी में डालते हैं। वाह वाह, ये 60 साल पुरानी दाल। वाह, तो ये 60 साल पुरानी दाल का आशीर्वाद है आपके माता पिता की कड़ी हुई मेहनत का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है। इसमें सर कोई रंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ओरिजिनल बिल्कुल। सर ये देखने में आज की दाल लग भी नहीं रही है। हाँ जी, आज की लगेगी भी नहीं, जैसे कहते हैं ना पुरानी खुराक, बिल्कुल पुरानी खुराक है, वो चीज है बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा दिखाता हूँ जी मैं, ये चने की दाल, चने की दाल। इधर देखिए भाई साहब, रोगन है, इसके नीचे क्या है अभी देखते हैं। ये सर मटर मशरूम, मटर इसमें मटर मशरूम, मटर अपना मशरूम, दो प्याजा, सब इसी में से निकलेंगे। वाह वाह क्या बात है जी, ये मटर मशरूम एकदम कमाल की। ये सर बैंगन भरता, जो पाल ढाबे बाहर आदमी पसंद करता है। वाह, ये जी बैंगन का भरता और ऊपर रोगन, देखो आप कितना कमाल का आ रखा है, कितना जबरदस्त वाला है, एकदम बढ़िया। और अंकल जी ये रोगन जो है इसमें क्या क्या मसाले हैं, मतलब बहुत बढ़िया रंग आया हुआ है। देखो जी मसाले तो यही है, देखी मिर्च है, बाकी प्याज टमाटर अदरक लहसुन, जो हमको केमिकल या कोई चीज नहीं, ओरिजिनल बिल्कुल घर की तरह तैयार करवाते हैं। क्या बात है। और अंकल जी आगे दिखाइए, बारहमासी सरसों का साग और मक्की की रोटी, मेरे यहाँ 12 महीने मिलती है जी, कोई नागानी में होता जी, सरसों का साग और मक्की की रोटी 12 महीने 365 बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, की दिवाली की छुट्टी होती है, होली की छुट्टी होती है, दो दिन में बाकी सब दिन मिलता है जी। क्या बात है, ये सरसों का साग जी। और इसके अलावा सर? और इसके अलावा आ जाओ जी, बैंगन भरता देख लिया आपने जी जी, ये मिक्स वेज जनाब। ओ भाई मिक्स वेज का रंग चेक करो, कितना कमाल है, कितना जबरदस्त है, इसमें गाजर है, पनीर है, बटर है, बाकी तड़का तो लगा ही रखा है, जबरदस्त वाला है शाही पनीर। ओ भाई रंग तो अब आया, पहले तो सिर्फ बातें हो रही थी, अब तो रंग आ गया। और सर मेरे यहाँ ऐसा नहीं है भी एक ही ग्रेवी बनी हुई है, कस्टमर आया काटा पीटा उसी वक्त डाला ये किया वो किया ना, मेरे मीनू में 400 आइटम है, कस्टमर जिस चीज पे आते रखता है वो मेरे यहाँ एकदम प्रॉपर तैयार मिलती है। ये शाही पनीर है जी। क्या बात है, अंकल इसमें एक आपने वो भी डाले हुए ना, इसमें मखाने काजू सोगी पनीर की ग्रेवी बनती है जिसकी। क्या बात है, ये आगे आ गया जी मलाई कोफ्ता, ये है जी मलाई कोफ्ता। वाह, ये मलाई कोफ्ता आ गया जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत कमाल मलाई कोफ्ता है, काजू मगज वाला है। हाँ जी हाँ जी, बनता है, ये चीजें बनती है इससे, ये पालक पनीर जी, पनीर बाद में जब फ्राई करते हैं ना। वाह वाह, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है ये पालक पनीर, नहीं तो हलवा हो जाएगा। हाँ नहीं तो हलवा हो जाएगा। ये आ गया सर मटर पनीर, अभी ये आ गया जी मटर, ओए क्या बात है, जबरदस्त। अंकल जी पाल ढाबे में जब मैं भी आता हूँ ना जी, बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है चीजें देख के ना, एकदम बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया इंग्रेडिएंट्स वाली चीजें। अगर फूड वाली जगह जाओ ना जी, उसे देख के या खा के मन खुश होना चाहिए, तभी मजा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अंकल जी, इसके अलावा भी दिखा रहा हूँ बेटा, ये राजमा जी, राजमा, ये राजमा, वाह वाह, चित्रा राजमा, चित्रा जी, चित्रा जी, जी जी। और इसके अलावा अंकल, और सब बहुत कुछ दिखा रहा हूँ आपको, ये चना मसाला, ये है चले नीचे हो गए ना, दोबारा आ रहा सामान सब। वाह वाह वाह, चना पढ़ते रहेंगे तभी आते रहेंगे। ये देखो भाई जबरदस्त, ये एकदम नंबर 1 काबुली छोले हैं।